हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने इस वीडियो में इसीलिए आया था। दोस्तों देखिए, मैंने ऑलरेडी जो है आपको गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में लर्निंग लाइसेंस कैसा अप्लाई करते हैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ दोस्तों। वो मेरी पहली वीडियो है और ये दूसरी वीडियो है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा दोस्तों कि न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है दोस्तों तो यहाँ पे आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं दोस्तों, या आप इंटरनेट पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं ये, ठीक है। तो ये न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको जो है कुछ अप्लाई करना पड़ता है दोस्तों। इसके लिए आपको न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं आपको पहले लर्निंग लाइसेंस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा दोस्तों ये वीडियो में मैं बता दूंगा दोस्तों, क्योंकि वो पहले की वीडियो में मैं नहीं बता सका था, ठीक है। तो ये वीडियो में मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। देखिए, न्यू लर्नर लाइसेंस के लिए जब आप अप्लाई करते हैं दोस्तों तो वहाँ पर आपको 300 रुपीज़ लेके जाना पड़ेगा। अगर आप अपना पेमेंट जो है एटीएम कार्ड से पे करते हैं तो एटीएम कार्ड लेके जाइए दोस्तों, या नहीं तो अगर आप पेटीएम से पे कर सकते हैं या इंटरनेट बैंकिंग आपके कौन से भी बैंक से पे कर सकते हैं। 300 रुपीज़ आपको लेके जाना पड़ेगा दोस्तों न्यू लर्नर लाइसेंस के लिए, इसके लिए दोस्तों, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यू लर्नर लाइसेंस के लिए। तो इसके लिए आपको देखिए दोस्तों सिर्फ एक ही प्रूफ लेके जाना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। आप यहां पे 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लेके जा सकते हैं दोस्तों, और प्रूफ ऑफ रेसिडेंस के लिए आप रेसिडेंट सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं, या नहीं तो वोटर आईडी लेके जा सकते हैं, या पासपोर्ट, या राशन कार्ड, या आधार कार्ड, या इलेक्ट्रिसिटी बिल, या वाटर बिल, ठीक है। तो ये न्यू लर्नर लाइसेंस के लिए आप जब अप्लाई करते तो आपको इन सब में से एक डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा दोस्तों, जो कि प्रूफ ऑफ रेसिडेंस होता है। 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लेके जाना पड़ेगा दोस्तों, और 300 रुपीज़ न्यू लर्नर लाइसेंस के लिए लेके जाना पड़ेगा। और न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको 500 रुपीज़ लेके जाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन घर बैठे भी कर सकते हैं, या नहीं तो इंटरनेट पॉइंट पे भी आप कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके लिए आपको जो है सेल सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, आपने व्हीकल कहाँ से जो है बाई किया था तो वहाँ का सेल सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। रोड वर्थीनेस सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा दोस्तों, पॉल्यूशन कंट्रोल PUC सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा दोस्तों, और एप्लीकेशन आईडी प्रूफ लेके जाना पड़ेगा दोस्तों। कौन सी भी आईडी प्रूफ आप लेके जा सकते हैं, राशन कार्ड लेके जा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड लेके जा सकते हैं, आधार कार्ड लेके जा सकते हैं दोस्तों, या इलेक्ट्रिसिटी बिल लेके जा सकते हैं। उसके साथ आपको 4 से 5 फोटोग्राफ्स लेके जाना पड़ेगा दोस्तों, और गाड़ी का इंश्योरेंस सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा दोस्तों, जो कि इंश्योरेंस सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल होता है, ठीक है। और प्रूफ ऑफ एड्रेस लेके जाना पड़ेगा दोस्तों, राशन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या इलेक्ट्रिसिटी बिल आप लेके जा सकते हैं दोस्तों एड्रेस के लिए। और कॉपी ऑफ व्हीकल लेके जाना पड़ेगा दोस्तों, जो कि टेम्पररी रजिस्ट्रेशन जो आप न्यू लर्नर लाइसेंस के लिए करे थे उसका टेम्पररी रजिस्ट्रेशन का स्लिप या प्रिंट आउट लेके जाना पड़ेगा दोस्तों, और कॉपी ऑफ परचेस लेके जाना पड़ेगा दोस्तों, और कॉपी ऑफ जो है पैन कार्ड लेके जाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं ये वीडियो बनाया था दोस्तों, ये आपको इंपॉर्टेंट है दोस्तों व्हीकल रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करते वक्त ये आपको लेके जाना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे वेबसाइट पे नहीं दिया है दोस्तों कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना पड़ेगा न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए, तो यहाँ पर इन्फॉर्म नहीं किया है दोस्तों, इसीलिए मैंने जो है आपको इन्फॉर्म कर दिया था जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, एक लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ इसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। जय हिंद दोस्तों।